श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल। मुझे यकीन है आप सभी खुश होंगे और आप सभी अच्छे होंगे। कई बार आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि हम नौकरी कर रहे हैं तो एक व्यापार शुरू कर दें, या हम बेरोजगार हैं तो हमें एक नया व्यापार शुरू करना चाहिए। फिर हमारे पास प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि हमें व्यापार कौन सा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अगर ये सभी आपके मन में प्रश्न है कि हमें व्यापार कौन सा करना चाहिए, आप यदि कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपको कौन सा नया व्यापार करना चाहिए, या आप अभी तक कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कौन सा व्यापार करें, और नौकरी कर रहे हैं और अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो कौन सा व्यापार हमें करना चाहिए, तो कौन से व्यापार पर ही आज बात होगी कि किस तरह से और कौन सा व्यापार हमें करना चाहिए। तो वीडियो बहुत खास है, आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है वो तकलीफ दे विषय है। उससे पहले एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ और कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। शुल्क है, नॉमिनल शुल्क है, लेकिन ज़रूर बात करें। अगर कोई भी व्यापार आप करते हैं तो ज़रूर वहाँ एक बार परामर्श ले लें, तो बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ भी सही हो जाती है। तो पहली और मुख्य बात यह है कि जब भी हमें कोई सा भी व्यापार शुरू करना है उस व्यापार का हमें अनुभव होना ज़रूरी है। अनुभव, अब थोड़ा रुक जाइएगा, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बात शुरू हो रही है। अनुभव से सीधा सा मेरा अर्थ ये कहने का है कि कागजी अनुभव या उस विषय का, उस व्यापार का हमारे पे अनुभव जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर अनुभव नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अप एंड डाउन हो जाएगी। अब कौन सा व्यापार करना चाहिए, जिस पर हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें विषय खड़ा यही होता है। तो सबसे पहला जो व्यापार का है कि हर एक व्यक्ति का अपनी एक रुचि होती है, एक स्वभाव होता है, मैं आगे वो भी बताऊंगा कौन कौन से करना है। स्वभाव होता है, आपका इंटरेस्ट होता है, आपकी कुंडली जो बताती है अलग इंगित करती है, ठीक है, और ओवरऑल जो मैं परिप्रेक्ष्य में ये बातें कह रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने स्वभाव को चेक कर लें कि आपका किस विषय पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं, जिस पर आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस हो। और दूसरी बात है कि धन, आप जितना कम धन लगा कर चीज़ें शुरू करेंगे, मतलब जितना मनी बचा कर चीज़ें हम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो होता है कि एक व्यापार शुरू किया और बेफिजूल पूंजी लगाते गए उसका आउटपुट कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ये चीज़ों से बचना है। दूसरी बात है कि कटलरी का, महिलाओं की साज श्रृंगार का, लोहे का व्यापार और मध्यस्थता व्यापार, जो दो व्यक्तियों के बीच नाम मध्यस्थता व्यापार भी होता है कि कई बार चीज़ें खरीदना और बेचना, और जिसमें कमीशन जिसको कहते हैं, आजकल सब व्यापार आप कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।